गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ सप्लीमेंट्री एग्जाम रिजल्ट की जो मार्कशीट है एमपी बोर्ड के अंतर्गत वो कब आने वाली है और कैसे प्राप्त और कहाँ से प्राप्त करनी होंगी, आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता है और आप मेरे वीडियो देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो फ्रेंड्स आपको सीधा ले चलता हूं मैं गूगल के पास और आपको दिखाता हूं सब चीज लाइव। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने गूगल ओपन किया, गूगल में ओपन करने के बाद मैंने जो है नई दुनिया का जो पेज है वो खोल के रखा है, जो जबलपुर से पोस्ट है उस पोस्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें ऊपर लिखा है बोर्ड परीक्षा में पास होने पर ही मिलेगी मार्कशीट, सप्लीमेंट्री में नहीं। अगर आपका सप्लीमेंट्री आया है और फर्स्ट राउंड वाला ये था, अगर आया था सप्लीमेंट्री, अगर आप एग्जाम ना देते तो आपको सप्लीमेंट्री की मिलती, लेकिन अगर आप पास ना हुए होगे उस टाइम पे तो आपको जो मार्कशीट नहीं प्रोवाइड किए हुए। पहले जो होता था क्या होता था मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा में परीक्षार्थियों को यदि सप्लीमेंट्री पूरक आई तो मार्कशीट नहीं मिलेगी, तो मार्कशीट उनको मिली भी नहीं होगी, ये आपको पता भी है। सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के बाद पास होने पर ही सिर्फ एक बार मार्कशीट ही दी जाएगी। पहले जो नियम था, पहले सप्लीमेंट्री की आती थी फिर पास वाली आती थी, लेकिन अब इस बार ये चेंजेस किया गया है कि ये चीजें नहीं होंगी। जो सप्लीमेंट्री आया है पहले उसको रिजल्ट पास करना होगा, अगर पास करता तो ही इसको मार्कशीट मिलेगी, नहीं तो फाइनल में जब सप्लीमेंट्री का भी अगर एग्जाम नहीं देता उसके बाद उसको सप्लीमेंट्री की मार्कशीट एक सिंगल मार्कशीट दी जाएगी। कारण क्या है, दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल के ने मार्कशीट के फर्जीवाड़े और उसके वेरिफिकेशन का झंझट खत्म करने के साथ ही पैसों की बर्बादी रोकने के लिए पहले सप्लीमेंट्री परीक्षा और उसके बाद पास होने की फाइनल मार्कशीट, यानी एक परीक्षार्थी को दो बार मार्कशीट देने की वर्षों में एक वर्ष में जो पुराने नियम थे दो बार मार्कशीट देने की जरूरत पड़ती थी, तो फ्रेंड्स वो का अब एक ही बार देनी पड़ेगी। और मैं फ्रेंड्स आपको एक जानकारी दे दूं बहुत ही अच्छी जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी, मैंने काफी लोगों से कॉन्टेक्ट किया, एमपी ऑनलाइन से भी कॉन्टेक्ट किया और बाकी जितने भी मेरे संपर्क में स्कूल्स हैं, काफी स्कूल्स हैं मेरे संपर्क में, तो मैंने संपर्क किया, मुझे उनसे जानकारी जो मिली है मैं आपको जानकारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो जानकारी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको भी पता है कि आपकी जो मार्कशीट उसके लिए आप कितने उत्सुक हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं जो विदिन 15 डेज रिजल्ट के विदिन 15 डेज आपकी जो मार्कशीट है वो डी ऑफिस जो आपके जिला का जो शिक्षा कार्यालय रहता है वहां पर आ जाती है, डीपीआई बोलते हैं, डीपीआई यहाँ पर आ जाती है मार्कशीट। आने का 15 दिन के बाद जो कलेक्शन है वो स्कूल तक पहुंच जाता है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा उस स्कूल में पहुंच जाना है जहां पर आपको जो जिस जहां से आपने फॉर्म फिल किया था और आपको जहां से फॉर्म फिल किया था वहीं पर आपको जाना है, वहां से अपनी मार्कशीट है वो 15 दिन के बाद ले लेनी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये विदिन 15 डेज का जो टाइम रहता है वो रहता है, क्योंकि टाइमिंग लगती है रिजल्ट आने के बाद प्रिंट करने में, मार्कशीट प्रिंटिंग भी होती है, हालांकि ये जो सिस्टम है वो चालू पहले ही कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कोई मिस्टेक ना हो तो वो बाकायदा चेक करने के बाद जो मार्कशीट में कोई मिसप्रिंट तो नहीं, सब चीज चेक करने के बाद जो आपकी 15 दिन के अंदर मार्कशीट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो फ्रेंड्स आपकी जो मार्कशीट है वो 15 दिन के अंतर्गत आ जाएंगी रिजल्ट से 15 दिन के, ये मैंने जानकारी इसलिए 2 दिन लेट डाली है फ्रेंड्स, इसका कारण था कि मैं पहले जानकारी ले लेता हूँ उसके बाद ही कंफर्मेशन करने के बाद आपको जो है जानकारी देता हूँ। तो मैंने पूरी जानकारी ले ली है, स्कूल से भी ले ली है, एमपी ऑनलाइन से भी सबसे मैंने जानकारी ली, एमपी बोर्ड्स को भी कॉन्टैक्ट किया, तो उन लोगों ने भी यही बताया कि आपकी जो 15 दिन के अंतर्गत मार्कशीट आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इस वीडियो में बस इतना था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फिर से कहना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ही दबा लें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के माध्यम से आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहेंगे और नई नई इन्फॉर्मेशन से तरोताजा होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स कर आप सब्सक्राइब कर ही लें, इसके बाद आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू वेरी मच।